नमस्कार और आप देखते हैं पल पल। नदियों में नहर टूटने से हजारों एकड़ भूमि जलमग्न, 60 फुट चौड़े कट होने के कारण आधा दर्जन जेसीबी भी नहीं भर पाई पूरे कट को। कुदनी हेड से पानी बंद करवाया गया। पल पल रतिया से राजेंद्र मित्तल की विशेष रिपोर्ट। शनिवार की देर रात रतिया क्षेत्र में आए भयंकर तूफान के कारण रत्ताखेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भारी संख्या में पेड़ गिर जाने के कारण माइनर टूट गई, जिसे माइनर के आसपास आधा किलोमीटर तक का एरिया सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो गया। वहीं आसपास में दर्जन भर घरों में पानी घुस चुका। सूचना मिलने पर सुबह सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पूरी नहर का जायजा लिया। SDO बलराज जस्ट, जय हवा सिंह, जय पवन ने आधा दर्जन JCB की सहायता से कट को पाटने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण कट को नहीं पाटा जा सका। बाद में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कुदनी हेड डिस्ट्रीब्यूटरी का पानी कम करवाया। समाचार लिखे जाने तक विभाग द्वारा कट को पाटने के प्रयास किए जा रहे थे। इसके साथ साथ आसपास के क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। कई पेड़ उखड़ करके मकानों और दुकानों पर गिर गए। रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए। जैसे तैसे कर बड़ी मुश्किल से इन रास्तों को खुलवाया गया। शनिवार को आए तेज तूफान के बाद आज भी तेज आंधी और गरज के साथ बरसात चलती रही। बताया जा रहा है कि आसपास के क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ है। आंधी और तूफान में हवा का दबाव इतना तेज था कि लोगों के घरों के ऊपर से सेट और कई मकानों की छतें उड़ गई। फिर जमीन पर से उखड़ करके रास्तों को ब्लॉक कर गए। लोगों को काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन जान माल की हानि होने से अभी कोई सूचना नहीं है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष।